अक्का साहब ये लीजिए, सूप पी लीजिए। चलिए अक्का साहब, ये सूप पी लीजिए। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप काफी हैवी मेडिकेशंस ले रही हैं, काफी कमजोर पड़ गई हैं, तो आप थोड़ा सा सूप पी लीजिए। आइए, ये लीजिए। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, पर आप सूप तो पी लीजिए। अक्का साहब, आप मुझसे गुस्सा है ना, तो खुद को सजा क्यों दे रही हैं आप? प्लीज, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, थोड़ा सा सूप पी लीजिए ना, प्लीज अक्का साहब। सुरेखा कशी कैसी होंगी? वो कुछ खा पी भी नहीं रही हैं। अरे गुस्सा क्यों कर रही है तू? ये ले, थोड़ा सूप पी ले। पी लीजिए ना अक्का साहब। देखिए, अगर आप कुछ खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं, तो ठीक कैसे होंगी बताइए? ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ओ रानी, थोड़ा फर्क दे गया ना, प्लीज थोड़ा तरी गया। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। तुम सूप लेकर आई हो? हाँ। इसकी जरूरत नहीं है, वापस ले जाओ, मैं भी सूप ही लेकर आया हूँ। बिल्कुल जरूरत। और ये सूप मैं अक्का साहब के लिए नहीं, राव साहब के लिए लाई हूँ। ले जाओ वापस, मन नहीं है मेरा। मन की बात नहीं है, सेहत की बात है राव साहब। 10-12 घंटे हो गए हैं, किसी ने ना कुछ खाया है ना पिया है। हाँ प्लीज, ये सूप पी लीजिए, आपकी भी दवाइयां चल रही हैं। हम देख रहे हैं ना अक्का साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है, सबको आपकी टेंशन है, सब टेंशन की वजह से कुछ खा नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा सूप पी लीजिए, थोड़ा सा। नहीं, जब भी मेरी नहीं सुन रही तो तुम्हारी क्या सुनेगी? ठीक है, अगर सुरेखा ये चाहती है कि हम सब इसके लिए ऐसे ही परेशान रहे तो यही सही, बरोबर ना? हाय ईशान,